बिहार की राजधानी पटना के कई इलाकों में लगे राजनीतिक पोस्टर लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गया है। आरजेडी की ओर से पोस्टर बार के आगाज के साथ ही जेडीयू ने भी पलटवार का सिलसिला तेज कर दिया है। इस बार एक नया पोस्टर जारी करते हुए इसमें कविता के जरिए लालू परिवार पर निशाना साधा गया है। पोस्टर में बड़े बड़े शब्दों में हेडर लिखा हुआ है पति पत्नी की सरकार। इनमें लालू राबड़ी के साथ पोस्टर में बाहुबली शहाबुद्दीन और नाबालिग लड़की से बलात्कार के दोषी राजबल्लभ यादव की तस्वीर लगी है। पोस्टर में एक कविता भी लिखी गई है जिसका शीर्षक दिया गया है जनता कहे पुकार के। इसके बाद इसमें कविता के अंदाज में लिखा है सौदागरों को लज्जा भला क्यों, उनके लिए व्यापार था सरकार। जनता कहे पुकार के जब भी जी करता था कुछ करूं क्या करता, डर लगता था कैसे उतारूं सुख की ये गठरी कहां धरूं डर लगता था। पोस्टर में भ्रष्टाचार शब्द को हाईलाइट किया गया है और इसमें फिल्म की रील जैसे तस्वीर बनाई गई है। इसमें हर खाने में लालू राबड़ी के शासनकाल को दर्शाने के लिए अपहरण बलात्कार रंगदारी घोटाला और गुंडागर्दी जैसे शब्द लिखे गए हैं। इसके साथ ही पोस्टर के नीचे यह भी लिखा गया है कि व्यवस्था खराब नहीं थी बल्कि व्यवस्था ही नहीं थी। पोस्टर पर जब बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार से पूछा गया तो उन्होंने पोस्टर किसने लगाया है ये मुझे पता नहीं है, भला किसे याद नहीं होगा जिसने लालू राबड़ी राज देखा होगा, कैसे लोग घरों से बाहर निकलने से डरते थे, दिन हो या रात हो लोग हर पल सहमे रहते थे। जिसने भी पोस्टर लगाया है और कविता बनाई है उसने भी लालू राबड़ी राज के कष्ट भोगा होगा, इसलिए इस तरह की कविता वाला पोस्टर लगाया होगा। वहीं लालू राबड़ी पर हमला वाले पोस्टर पर राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी कहते हैं कि विरोधी चाहे कुछ भी कहे, कोई भी बैनर पोस्टर लगाकर कुछ भी लिखते रहे, लेकिन आज का जो शासन है उसमें जनता का हाल क्या है कोरोना के दौरान लोगों ने देख लिया है। कैसे गरीब मजदूरों को बेसहारा छोड़ दिया गया है, लालू राबड़ी राज गरीबों का राज था। उस शासन को आज भी लोग गरीबों का शासन कहते हैं, लेकिन आज पूंजीपतियों की सरकार है। दरअसल हाल में के दिनों में पटना में कई पोस्टर लगे हैं जिनमें कभी नीतीश कुमार पर हमला बोला जाता है तो कभी पोस्टर के माध्यम से लालू राबड़ी शासनकाल पर हमला बोला जाता है, ये भी उसी कड़ी का हिस्सा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस पोस्टर के जवाब में राजद के तरफ से कैसा पोस्टर लगता है। हालांकि इस पोस्टर में साफ हो गया है कि बिहार में चुनाव लालू के जंगल राज बनाम नीतीश सरकार की पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है। बिहार और झारखंड की तमाम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।